तो दोस्तों बिहार ऑन स्पॉट लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है कि आसनपुर कुपवा हॉल्ट तक तो ट्रैक बिछ गया है, ट्रेन भी आ रही है जो टेस्टिंग वाली ट्रेन है, लेकिन उसके आगे की स्थिति क्या है वो आपको दिखा रहे हैं हम सिर्फ बिहार ऑन स्पॉट पर। और देखिए आगे की स्थिति ये है कि ब्लास्ट का पूरा जो है वो यहाँ पर गिराया गया है और साथ के साथ स्लीपर भी है, और ब्लास्ट और स्लीपर के स्तर पर जो है गिराया गया। आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको, ट्रैक के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं। और ये निर्मली से जो 4 या 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कुपवा और निर्मली के बीच में, और इसको लेकर के लगातार अधिकारी जो है वो सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो बिछाइए, जल्द से जल्द ट्रैक बिछाइए। और इसके लिए जो है हर जगह हमें यहाँ पर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और अलाइनमेंट देखा जा रहा है और हमें काम दिखाई दे रहा है बीच बीच में, और साथ के साथ जो गहमा गहमी हमें बताई गई अधिकारियों ने बताया कि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि इस स्ट्रेच में कुछ ढीला काम हो रहा है ऐसा अधिकारियों को खबर मिली है। और ढीला कोई इसमें अधिकारी है या कोई ठेकेदार है जो काम नहीं कर रहा है उसको लेकर के भी हिदायत दी गई है और लगातार फटकार लगाई जा रही है कि ऊपर से प्रेशर है, जीएम साहब का प्रेशर है कि जल्द से जल्द निर्मली तक लाइन बिछानी है, जल्द से जल्द निर्मली तक को चालू करना है इसलिए, और इसको इसका असर भी यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर हर जगह जो है वो ब्लास्ट और स्लीपर गिरा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि बिछा नहीं है अभी तक, आपको ये बता दें बिछा नहीं है, सिर्फ गिराया गया है। और ये जो 4-5 किलोमीटर का जो ये छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों, यही बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ रेलवे के लिए क्योंकि बीच में जो है पुल तैयार नहीं था, पुल में कुछ खामी आ गई थी, लेकिन अब लगातार अधिकारियों का प्रेशर बना हुआ है। हालांकि यहाँ अप्रोच को लेकर के वहाँ पहुँचने को लेकर के बहुत ही दिक्कत है क्योंकि अभी बारिश की वजह से काफ़ी वहाँ पर दिक्कत हो गई है, पहुँचने पानी भर गया इस वजह से वहाँ पहुँचा नहीं जा सका है और हम भी नहीं पहुँच पा रहे हैं उस बीच में क्योंकि रास्ता नहीं है वहाँ पहुँचने का, लेकिन कोशिश करते हैं पहुँचने की। तो दोस्तों हम ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं बिहार ऑन स्पॉट पे, उस जगह पर जो कुपवा से निर्मली के बीच का ट्रैक है, और कुपवा से निर्मली के बीच का ट्रैक आप देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर डस्ट का काम नहीं हुआ है, सिर्फ पटरी बिछी हुई है, स्लीपर भी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे 2 ब्रिज नजर आ रहा है, एक ये और एक इस तरफ, 2 ब्रिज नजर आ रहा है। तो चल के देखते हैं कि कितना काम हुआ है। हम कुपवा से आगे आए हैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे और यहाँ हमें ये रास्ता मिला है, अब देखते हैं इस रास्ते पर हम कहां तक जा पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। तो रास्ता दुर्गम मुश्किल है और देखिए फिसलन भी है, रास्ता जो है मुश्किल है, फिसलन भी है। चल रहे हैं उस ग्राउंड जीरो पर जो जिस पर टारगेट है रेलवे का, लेकिन देखिए रेलवे का क्या काम अभी तक हुआ है, यहाँ पर काम उस हिसाब का नहीं दिख रहा है दोस्तों। और यही जो है चिंता का सबब है रेलवे के लिए कि आखिर कैसे जल्द से जल्द इसको पूरा करना होगा, और इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा जैसा अधिकारियों ने बताया। अगर इसको अगर सही से काम किया जाए तो 2 महीने का वक्त लगेगा इस छोटे से 4 से 5 किलोमीटर को तैयार करने में। और ये देखिए ये हम ब्रिज के पास आ रहे हैं, उस ब्रिज के पास, और देखते हैं वहाँ पर काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो ये कुपवा से निर्मली के बीच का रास्ता है, इसमें जो है डस्ट का काम नहीं है, यहाँ पर ब्लास्ट का काम नहीं है, और एक क्रेन नज़र आ रही है, और देखते हैं वहां पर अप्रोच का काम चल रहा है। फिलहाल जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें यहीं से वापस होना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ क्रेन है, क्रेन के जरिए मिट्टी जो है समतल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, अप्रोच को तैयार किया जा रहा है। और ये ब्रिज है और इस ब्रिज के बराबर में जो है वो एक क्रेन के जरिए जेसीबी मशीन के जरिए जो है यहाँ पर मिट्टी का काम किया जा रहा है और यहाँ पर कोड़ के बराबर किया गया है। और ये ब्रिज आगे देखिए, यही आगे निर्मली को जोड़ेगा और ये ब्रिज तैयार है, बस इसका अप्रोच अब लेवल ठीक किया जा रहा है ताकि यहाँ से फिर आगे का काम किया जा सके। लेकिन बीच में जो है काम नहीं हुआ है, बीच में डस्ट का काम नहीं हुआ, तो काम अभी बहुत कुछ बचा हुआ है और ये बहुत जल्द पूरा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत काम बचा हुआ है और आगे भी इसका रास्ता हालांकि बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना, लेकिन यहां तक पहुंच के पता चल रहा है कि काम की स्थिति क्या है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुपहा से निर्मली तक ट्रेन को पहुंचाने में अभी और कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सही से काम किया जाए, जल्द से जल्द काम किया जाए, तो भी हमें लगता है 2 महीना तो लग ही जाएगा। और क्या इसके लिए रेलवे तैयार है? और अगर तैयार नहीं है तो फिर कुपहा तक ही लाइन चालू हो पाएगी और इसको लेकर के अब रेलवे को ही अंतिम फैसला लेना है कि उसे निर्मली तक चाहिए एक साथ या फिर पहले पार्ट में कुपहा उसके बाद निर्मली। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट। लगातार हम इस तरह की रिपोर्ट आज तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।